ये है टेक्नो पोवा 5 प्रो। मैंने दूर से इस बार स्मार्टफोन का डिजाइन देखा भाई, काफी अतरंगी सा लग रहा था। मैं भाई इसको खोले बिना रुक नहीं पाएंगे। ये फोन के अंदर भी लाइटें जल रही हैं, ऐसा मैंने फोटोज में देखा। खुद अब अनबॉक्स करके भी देख लेते हैं, बट ने अलग अलग टाइप के अतरंगी स्मार्टफोन अनबॉक्स कर रखे हैं। कोई गेमिंग वाले होते हैं, कोई फ्लिप फोल्डेबल, कैमरा वैमरा ऊपर उठ के आ रहा है। बट इसमें खास बात है कि ये सस्ता है। डब्बा तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग था भाई, पावर्ड बाय टेक्नो पोवा। भाई थोड़ा ना डांस का नाम लग रहा है, टेक्नो पोवा। भाई पोवा कब भी हो रहा है भाई, मुझे लग ही रहा था डांस वर्ल्ड कप है। हाई रेजोल्यूशन ऑडियो, कॉशन वॉशन भी लग रहा है। डब्बा तेजी से खोल। अरे भाई ये देखो डिजाइन भाई, अलग अलग टेक्सचर्स, अलग अलग चीजें डाल रखी है अंदर। और भी देखते हैं चीजें भाई कैसा है। ये भाई 12 महीने की वारंटी बता रखी है इसका। अच्छा कैमरे का कटआउट टेढ़ा है भाई। कवर तो अपना स्टैंडर्ड जैसी क्वालिटी होती है वैसी है, बट इस प्राइस पॉइंट में स्मार्टफोन में आ भी जा रहा है कवर। और बड़ी बात है यूएसबी टाइप सी केबल भी है और हमारा इजेक्टर टूल भी। अपने दोस्त के हाथ में डालो, आवाज निकली। 68 वॉट का चार्जर देखा, बट ये सेगमेंट का पहला फोन है जो 68 वॉट चार्जर के साथ आ रहा है। सबसे एक्साइटिंग चीज भाई ये चमकता बैक साइड देखो भाई, वो भाई डिजाइन देखो भाई, थोड़ा मिलता जुलता सा लग रहा है क्या। ये पता कैसा लग रहा है, एक कंपनी थी जो कुछ भी नहीं थी, जोक भी मारता हूँ भाई। थोड़ा थोड़ा नथिंग का जो डिजाइन लैंग्वेज उससे हल्का सा मिलता जुलता लग रहा है, बट अभी काफी डिस्टिंक्ट सी फील आ रही है क्योंकि एक पूरा ही ब्लू डिजाइन है। काफी एक स्ट्रॉन्ग ऐसे रेक्टेंगुलर सा फील है। यहाँ पे सिम इंजेक्टर टूल है और तिरछा सा कैमरा बम्प है, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, सारी चीजें हैं। इसमें बैग में 3D टेक्सचर डिजाइन है, टेक्नो इसको आर्क इंटरफेस बोल। और ऑफकोर्स भाई इसके बैक साइड में यहाँ पे अगर लाइटें नहीं जली तो ये क्लिकबेट हो जाएगा ये डब्बा। एक बजट स्मार्टफोन है जिन्होंने पता नहीं है, टेक्नो की जो पोवा सीरीज है ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ा गेमिंग वेबिंग में विश्वास रखते हैं। मैं उन्हीं को इस टाइप के डिजाइन पसंद आते हैं, तो हो सकता है हर बंदे को डिजाइन ना पसंद है। मेरे को पर्सनली भाई डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगता है। 15,000 रुपए में काफी बोरिंग से डिजाइन आते हैं। बैक साइड में भी पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक, साइड में भी पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक, जो भी आपको बोलने का मन करे। और वैसे पूरी गेमिंग वाली फील है मेरा भाई, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मेरा मन सा कर रहा है गेम ही खेलने का। सबसे पहले गेम ही खेलेंगे। डिस्प्ले काफी बड़ा सा है भाई, 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस पैनल है, 120 हर्ट्ज में ही चल रहा है। LCD पैनल है, बट इस प्राइस पॉइंट पे LCD के अराउंड नहीं मिलता। AMOLED थोड़ा सा बेटर होता है, कलर्स हैं, कॉन्ट्रास्ट अच्छा लग रहा है, गेम के अंदर और अच्छे से चलता है। बाकी टेस्टिंग बाद में करें, पहले गेमिंग करेंगे। पता नहीं क्यों मेरा चुल मच रही है। Dimensity 6080 प्रोसेसर लगा रखा है, ये प्रोसेसर भी हमने ज्यादा अच्छे से ट्राई करा नहीं। ऊपर ही साइड पे आपके वॉल्यूम बटन है, पावर बटन है, इस पे यहाँ पे टच फिंगरप्रिंट वाला है, यहाँ पे स्पीकर जैक है, पर नीचे दोनों स्पीकर है, मोनो और हेडफोन जैक है, यूएसबी टाइप सी का पोर्ट है, डुअल सिम भी लग जाती है, माइक्रो एसडी कार्ड भी लग जाता है, और यहाँ पे जैसे रबराइज बैंड से भी देख रहा है। इसमें IPX 2 रेटिंग है भाई, 80 टाइम HD भी हाई पे चल रही है। बट डेड कर दिया, ज़्यादा लैग या डिले तो नहीं फील हो रहा है। अच्छा लोड आउट चेंज कर सकते हैं। स्नाइपर से मारा भाई। गेम में अगर आप देखोगे बिल्कुल भी लैग या जिटर नहीं है, और इसको एक गेमिंग सेंट्रिक फोन ही बनाया तो उस हिसाब से भाई सही लग रहा है। मैं जैसे गेम भी खेल रहा हूँ ना, 15,000 के स्मार्टफोन के हिसाब से अच्छा खासा मेरे को एक स्मूथ गेम प्ले देखने के लिए मिल रहा था। यार गेम तो खेल रहा हूँ तो लाइट नहीं जल रही यार, लाइट जलती है भी या क्लिकबेट हो गया हमारे साथ। इसमें काफी सारी चीजें हैं जो गेम खेलने के लिए ऑप्टिमाइज करी हैं, जैसे एक वेपर कूलिंग चेंबर लगा रखा है जो ठंडा रखता फोन को, अब तो नेसेसिटी बन गई है भाई किसी भी गेमिंग फोन के लिए। उसके साथ साथ इतने बजट स्मार्टफोन में गेम मोड वो मोड की तो ज्यादा बात भी नहीं होती, तो इसमें गेम मोड भी ऐड कर रखा है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। एक तो चीज और इसमें ना बाईपास चार्जिंग भी ऐड कर रखी है, ये पहले भी वीडियो में बता रखा है, बट आपको क्विक क्विक बताता हूं। पहले देखो होता क्या है कि अगर नॉर्मल फोन में क्या होता है, चार्जर उससे तार से आती है भाई बैटरी के अंदर और फिर बैटरी से फोन चलता है। जो बाईपास चार्जिंग होती है उसमें चार्जर से डायरेक्ट ही फोन चल जाता है बिना बैटरी को चार्ज करे, तो उससे भाई ज्यादा पावर फोन यूज कर पाता है। एंड ऑफकोर्स भाई बैटरी के अंदर नहीं जा रही तो बैटरी ज्यादा गर्म भी नहीं होती, फोन भी ठंडा रहता है, और मतलब अगर आपको गेम कनेक्ट करके खेलना तो और ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है, मजा आता है। अगर आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा खेल रहे हो तो भाई परफॉर्मेंस काफी कॉन्स्टेंट रहती है, आपको फोन गर्म हो गया ऐसे परफॉर्मेंस कम नहीं होने लगता। हमने वो मजा लिया और एक्चुअली काम करता है भाई। Dimensity 6080 इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से एक अच्छा प्रोसेसर आप डेफिनेटली बोल सकते हो। इसमें म्यूजिक जलाने पे रेड लेबल नेचुरल केयर। गुड मॉर्निंग इंडिया। ओहो जरा दादा भाई आज कोई गाना चलाते, क्रेडल से बजाएंगे भाई। जल तो रही है, आवाज भी काफी तेज जल रही है, बट बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, बहुत एक सटल सी लाइट है। देखो अगर मैं इसको अंधेरे रूम में दिखाऊं ना तो आपको बढ़िया दिखेगी, बट इंटेंसिटी इतनी तेज नहीं है कि भाई एकदम ही धूप में आपको लाइट डाइट दिखेगी। बट एक चीज काफी तगड़ी है, इसमें आप कलर चेंज कर सकते हो, पर्पल ग्रीन टील भाई। ये देखो कूल तो लग रहा है भाई, रात रात में आपका फोन ऐसे है भाई, मस्त लगेगा यार। पबजी का पता चल गया भाई, लाइट ना जल रही है। इसमें जैसे जैसे गोलियां चल रही है ना वैसे वैसे लाइट जल रही है, तेज गोली मारो ना तेज जलती है। देखो
है तो इंटरेस्टिंग है, लाइट वाइट लगाने वाला सिस्टम बढ़िया है। मेरे को पर्सनली काफी एक्साइटिंग लगा, एक बार टीम वालों से पूछ के आते हैं उनको कैसा लग रहा है। मैं जितना वैसे यूज कर रहा था भाई, एप्स एप सही लग रही है, थोड़ी बहुत प्री इंस्टॉल्ड एप्स आ रही है, बट काफी हद तक ज्यादा ब्लोटवेयर नहीं है। थोड़े बहुत आपको ऐसे ऊपर से स्क्रॉल करोगे आपको अलग अलग फंक्शन से मिल जाते हैं। एंड्रॉइड 13 दे रखा है और टेक्नो अपना हाई ओएस यूज करता है। इस प्राइस पॉइंट में एकदम ऑनेस्ट बताता हूँ, ऐसे फोन नहीं आते इनमें कुछ एक्सपेरिमेंट करते। एक नई चीज बनाने के लिए आपको भाई थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है और भाई नुकसान भी हो सकता है अगर लोगों को पसंद नहीं है तो भाई बड़ी बात है, ट्राई करा गया। अब आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया आप बताना कमेंट सेक्शन में, बट हम भाई बाकी चीजें भी टेस्ट करते हैं। कैमरे में भी हो सकता है काम आ जाए, सेल्फी में भाई देखो परफॉर्मेंस अच्छे ना तो कैमरे में भी आ जाती है। फ्रंट में एक 16 मेगापिक्सल कैमरा, बैक साइड में एक 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और एक AI वाला कैमरा है। तो एक बार फोटो खींच के देख, दाढ़ी में भी डिटेल सही आ रही है और चेहरे में भी सही है भाई, रंग वंग सही दिख रहे हैं। लाइट हम प्रोफेशनल लाइटिंग लगा रखी है हमने तो ऑफकोर्स अच्छी भी आई, बट एक बार अलग अलग एनवायरनमेंट में जाके टेस्ट करते हैं तो और अच्छे बच रहे। फोटो वोटो भी खींच लेते हैं, वो विपुल को ट्रैक कर रहा है, मेरे हाथ को ट्रैक कर रहा है, हाथ को भी ट्रैक कर रहा है, वो खींच लेते हैं भाई, देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं। जूम में तो वोल्टेज अच्छे नहीं, विपुल को ब्लर कर दिया, थोड़ा सा भूत वाली फील आ रही है। ये भी भाई थोड़े डर डर से लग रहे हैं, बट एक्चुअली में इतना डर नहीं है मेरा। और जो क्वालिटी इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से भाई कलर सैचुरेशन सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। वैसे यहाँ पे लाइट काफ़ी अच्छी है बट मैं तब भी फोटोज खींचना मुश्किल होती है। थोड़ी बहुत और भी फोटोज हम खींच लेते हैं, एक बार देख रहे हो ये निशान, इस वाले सिंबल को आप बस थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, जूम आ केसरी वाला डाल दो, केसर वेसर से मेरे को पसंद ही नहीं। बहुत स्मार्ट लग रहा है भाई, एक्चुअल फोटो भी सही आ रही है। एक ब्यूटी मोड में भी ले लेता हूँ, देखा चीक्स भाई के गोरे गोरे लाल लाल हो गए भाई। ये है विदाउट मेकअप, ये है विद मेकअप, थोड़े रफ एजेस हैं बट ओवरऑल अगर आप फोटो देखो सही है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैमरा सही लग रहा है। एक वीडियो भी अगर मैं क्विक बनाऊं आपके लिए, फिल्म मोड भी दे रखा है इसमें, अलग अलग इफेक्ट्स हैं, ये बेसिकली उन लोगों के लिए जिनको रील वील बनानी है। भाई सही है, मैक्स 2K वीडियो बना सकते हो 30 FPS पे, वही बनाते हैं। ये वाली वीडियो हम बना रहे हैं 2K पे बैक साइड वाले कैमरे से, अगर मैं थोड़ा शेक करता हूँ तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत शेक आएगा, OIS नहीं। ओवरऑल जो वीडियो है उसकी क्वालिटी डिसेंट लग रही है, आप मतलब यूजेबल वीडियोस बना सकते हो सोशल मीडिया के लिए। हमने एक चीज नोटिस करी इसमें ना, फोन में कहीं पे भी बहुत ज्यादा कम करने की कोशिश नहीं करी है। इसमें ऑफकोर्स 5G मिलता है, कनेक्शन भी हमने टेस्ट करा था, हमको कोई दिक्कत नहीं है। स्टोरेज भी काफी तेज है, सेंसर्स भी सारे हैं, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, और स्पीकर में भी यूजुअली इस वाले प्राइस पॉइंट में सिंगल स्पीकर आते हैं। इसमें नीचे की साइड ऊपर दोनों भाई स्पीकर्स लगा रखे हैं और स्पीकर लाउड काफी, ऑफ कोर्स भाई क्वालिटी बहुत तगड़ी नहीं है बट इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छी क्वालिटी डेफिनेटली बोली जाएगी। बैटरी भी 5000 mAh है और उस हिसाब से मतलब इतना ज्यादा हट्टा कट्टा होने लग रहा। हाँ, एक स्क्वायर डिजाइन था। वो 5 प्रो में दो वेरिएंट्स आते हैं, 128GB का प्राइस है 14,999 रुपए एंड 256GB वाले का प्राइस है 15,999 रुपए। वो 5 में एक वेरिएंट है 128GB स्टोरेज जो 11,999 का है। अगर देखो मैं आपको एकदम सीधा सीधा बताऊं, मार्केट में अभी कॉम्पिटिशन टाइट है और हर कंपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। अगर किसी एक नई कंपनी को आके अपनी मार्केट में जगह बनानी है तो उसको कुछ अलग करना पड़ेगा और ये हमने ट्रेंड देखा भाई अलग अलग कंपनियों में और यही टेक्नो ने कोशिश करी है करने की। एक काफी इंटरेस्टिंग डिजाइन दे रखा है और सारी स्पेसिफिकेशंस एकदम भाई टक्कर की दे रखी है। डेफिनेटली भाई एक काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन टेक्नो की तरफ से, नई नई चीजें ट्राई करी जा रही है, हमको नई नई चीजें देखने में मजा आता है। आप भी बताना कि भाई आपको इस टाइप के स्मार्टफोन्स कैसे लगते हैं। अगर आप खरीदने जा रहे हो इस वाले प्राइस पॉइंट पे तो इसको डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।